खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, जहां यूपी और बिहार के पुलिस के लिए सिरदर्द बने बाइक लेफ्टर गिरोह का बनकटवा पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह को सरगना सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 37 बाइक पुलिस ने बरामद की है और जो 2 राज्यों के विभिन्न जनपदों से चुराई गई थी। एसपी ने पर्दाफाश करते हुए टीम को 20,000 रुपये इनाम दिया। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भोर में थानाध्यक्ष बनकटा विपिन मलिक की को मुखबिरी की सूचना दी गई। वाहन चोर गिरोह कुछ सदस्य चोरी के बाइक को बेचने के लिए बिहार जा रहे थे। इस पर पुलिस ने टीम रामपुर बुजुर्ग के पास एक बाइक पर सवार होकर आ रहे 2 युवक को पकड़ लिया। बाइक के बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि चोरी की बाइक है। इस दौरान हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान आरिफ अंसारी उर्फ सोनू निवासी बिरमा पट्टी बाजार खाना खामपार और वीर कुमार निवासी लक्ष्मीपुर भिखारी बाजार थाना खामपार के रूप में हुई। दोनों में पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर प्रताप छापर से छेरियां जाने वाले सड़क के पास बंद पड़े ईंट भट्टे से 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों की पहचान दिनेश यादव निवासी खरहगवा थाना उचका गांव जनपद गोपालगंज, ब्रिजेश कुमार चौरसिया निवासी सलेमगढ़ थाना तरिया, सुजान जनपद कुशीनगर, प्रीतम चौहान निवासी विश्वसनीय थाना दरौली जनपद सिवान के रूप में हुई। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 36 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी की गई है। इससे संबंध में 6 मामले जिले और 19 मामले बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ देवरिया ब्यूरो रवि प्रकाश की रिपोर्ट।